किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनानी चाहिए। फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं और इसको हम एक कहानी, एक स्टोरी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यक्ति रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उसके भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिल था। 25,000 साल पहले 3 मंजिल घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वस्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी को ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वस्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वस्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिल घर बनाने को कहा। वस्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिन बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदने जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वस्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिल घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, वस्तुकार ने कहा। सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं, राम ने कहा। तुम सीधे ही 3री मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की ओर बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता, वस्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा, राम ने निराश होकर कहा। उस नगर में कोई भी वस्तुकार नींव के बिना वह घर नहीं बना सकता था। फलतः वह घर कभी न बन पाया। अतः किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे मजबूत बनाना चाहिए एवं काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, तभी वह काम सक्सेसफुल और बहुत ही टिकाऊ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलता है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, इसी तरह का मोटिवेशनल स्टोरी और कहानी के लिए हम फॉलो करते हैं बड़ी सोच की बड़ी जादू जो बुक है, उसको अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक है, क्लिक करके परचेज कर लें। अभी बहुत ही चीप एंड बेस्ट में ये अवेलेबल हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल कार्डक्लू.com।